रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का ई वीज़ा यानी कि वीज़ा का ई नंबर नहीं निकल रहा है, वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है। भाई हम क्या करें, मुझे व्हाट्सअप के ऊपर भाई हज़ारों के हिसाब से मैसेज आए और मैंने उनका रिप्लाई कर रहा हूँ वक्त, अभी रिप्लाई करके बैठता हूँ, फिर भाई टका 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 सैकड़ों के हिसाब से मैसेज आए जा रहे हैं। यार कितनों को रिप्लाई करूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। तो बहरहाल एक मसला है जी, इस मसले के ऊपर बात कर लेंगे। अगर आपका ई नंबर नहीं निकल रहा है या आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है, ई नंबर निकला हुआ है, आपने स्टैम्प के लिए भेजा हुआ था, अभी स्टैम्प नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी बात ये जो मैंने मसला ये मुझे मेरे सामने आया, भाई ने मेरे साथ शेयर किया, यहाँ पर आपको बकायदा सुना भी देता हूँ। एक खुदा रहा है, इनसे बचिएगा, इनके हाथ में लग जाइएगा, ये बंदों को लूट लेते हैं फिर। ठीक है जी, आपको अगर कोई कल वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, आपको कोई एजेंट बोल रहा है अगर यार 10-15-20-30 मुझे दे दो, मैं आपका वीज़ा स्टैम्प करवा देता हूँ या ई नंबर निकलवा देता हूँ, झूठ बोल रहा है। मैं कन्फर्मली बोल सकता हूँ झूठ बोल रहा है। आज एक भाई ने मुझको बोला, भाई मैं तुमको अपनी खुशी से 15,000 दूंगा मेरा ई नंबर। मैंने उसको बोला, ये देखा जी बात ये है कि मैं ऐसे, यकीन कीजिए मेरे पास हज़ारों के हिसाब से बंदों के मैसेज आए जो ई नंबर के मुताबिक इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो मैंने बोला मैं हर किसी से 1,000 भी लेने लग बैठ जाता ना तो मैंने तो 2-3 लाख रुपए इसी चीज़ के कमा लेने थे, लेकिन मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया इस चीज़ का और ना ही किसी से मांगा है, तो आपसे भी नहीं मांगूंगा मैं। बाकी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आगे एजेंटों से पूछता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है यार इंसान को। अच्छा बात ये है जी कि सबसे पहले आपको एक वीडियो मैं सुना देता हूँ, आप सुन लें, फिर भाई का मैसेज आपको सुनाता हूँ, फिर इस चीज़ के मुतलक आपको अपडेट करूँगा कि खुदारा लाखों रुपये आपके बर्बाद होंगे, ये बच जाएँ। ई नंबर वाले भी ये वीडियो देख लें, सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अमजद अली भाई, आपका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, आपकी बाकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अपनी जल्द कंप्लीट करें। जी आपने सुन ली है ये क्लिप, इनका वीज़ा बकायदा पासपोर्ट के पिक्चर उनकी आगे वीज़ा स्टैम्प हुआ है, उनको बकायदा सेंड की गई है, देख लें जी आपका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है। अभी मैं इनका मैसेज आपको एक सुना दूं, थोड़ा मैं ना उसको फास्ट कर लेता हूं ताकि जल्दी जल्दी हम सुन लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिटेल आपको बताता हूं। खादमीन के वीज़े हैं या किसी भी और अलमराई के वीज़ों के नाम से फ्रॉड है, खादमीन के वीज़ों के फ्रॉड है। 2,04,000 रुपये पहले ले लिया, 95 यानी कि 95,000 रुपये लिया जी टिकट के नाम के ऊपर, अभी 85 यानी कि 85,000 रुपये सिक्योरिटी का मांग रहा है। यार आप में से बहुत से भाई जो मेरी ये वीडियो देख रखे हैं, मैंने इसको नीचे जो भी रिप्लाई किया, आगे जो कहानी चली आपको सुना देता हूँ मैं आपके पल्ले, इंशाल्लाह ये बात बैठ जाएगी बाद में, कभी भी आप वीज़ा लेने के टाइम या आपका ई नंबर वाला जो मसला है वो इसी में डिस्कस हो जाएगा। अच्छा ये कभी जो भाई मेरी ज़्यादातर वीडियो देख रहे हैं सऊदी में होंगे, जो पाकिस्तान में देख रखे हैं, आपको भी वीज़ों के मतलब तो अभी तक तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक मिल चुकी होगी, क्योंकि आपने वीज़ा बाय किया हुआ है, उसको भेजा हुआ है, ई नंबर नहीं निकल रहा है या स्टैम्प नहीं हो रहा है। देखिए कभी ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी के तौर पर कोई बंदा आपको बोल रहा है 50-60-70,000 रुपये जमा करवा दें या 1,00,000 रुपये जमा करवा दें, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा होता ही नहीं है, सबसे बड़ा तो झूठ ये है। आगे क्या कहानी चली मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने इनको मैसेज ये किया जी कि आप उसको ये बोलें कि भाई ठीक है मैं आपको 85,000 सिक्योरिटी के तौर पर भी जमा करवाता हूँ, आपने जो मेरे भाई की टिकट करवाई है ना वो मुझे सेंड कर दें। जब आपको ये टिकट सेंड करें, टिकट लेकर उसी टाइम किसी टिकट वाले के पास चले जाएं, उनको बोलें ये देखें इनकी टिकट चेक करवाइएगा ये ओके है, टिकट ही ओके नहीं होगी, पहली तो बात ये वो आपको टिकट सेंड ही नहीं करेगा, ये मैं बोलता हूँ गारंटी है। अगर वो सेंड करता भी है कोई फेक बनाकर, तो आप जब चेक करवाएंगे तो वो फेक होगी, उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये फलां के नाम के ऊपर आपके नाम से है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कहानी का चली सुन लें। भाई को मैंने बोल दिया कि इनको 1 रुपया मत दें अभी, ये इनके ऊपर बकायदा आप जो भी इनके पीछे लगे, जिसको पैसे दिए हैं उसको पकड़ें, उसके पीछे जाएं। वो बहरहाल जी बात ये चली, 2-3 दिन बाद भाई ने फिर रिप्लाई किया, बोला जी कि हमारे कुछ बंदे, मेरा भाई तो नहीं अभी गया लेकिन और कुछ 2-4 बंदे
इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे जी, वहां पर जाकर फिर उनको उन्होंने बोला जी हमारी फ्लाइट्स कौन सी है, बताया जी हम एयरपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने बोला था कि आप एयरपोर्ट पर आ जाए, हमारा बंदा आपका वेट कर रहा है। उनका बंदा है ही नहीं था कोई वहां पर, आपका बंदा नहीं है वो जी, आपकी फ्लाइट मिस हो गई है, ये मसला बन गया, वो बन गया, और इसलिए 17,000 रुपया जो है ना सिक्योरिटी के तौर पर, यानी कि जो फ्लाइट मिस हो गई है वो उसकी जो आप बोल रहे हैं कि लेट फीस पड़ेगी ये वो है, 17,000 रुपया आप जमा करवा दें वहां पर, या उन लोगों ने जेब से निकाले या किसी से पकड़ कर दिए 17,000 रुपया जमा करवाए, और फिर फोन ही बंद हो गया सब। वो बोल रहे दो तीन चार पाँच सात दस घंटे वहां पर बैठे एयरपोर्ट से, बंदों से मालूमात ली, उन्होंने बोला कि यहां पर तो इस फ्लाइट का जो आप जिक्र कर रहे हैं इसका तो तज़किरा ही नहीं है, जो फ्लाइट जा रही है मिसाल के तौर पर पीए की, तो वो तो जा रही है, उनमें तो जो आप फ्लाइट बता रहे हैं ऐसा तो कोई फ्लाइट है ही नहीं, आपकी टिकटें कहाँ हैं, बोलते टिकटें वो बंदे के पास थी, यहाँ आ रहा, वो था उसको ढूंढे, फिर वो बंदे वापस आ गए। तो भाई वो कन्फर्म हो गया कि ये फ्रॉड था, वीडियो मैंने आपको चलाकर दिखा दी। अगर वो आप वीज़ा बाय कर रहे हैं इस टाइप का ऑनलाइन जिसको आप जानते ही नहीं है, तो भाई वो फिर फ्रॉड आपके साथ जरूर करेगा। दूसरी बात ई नंबर के मतलब, देखें ई नंबर वाले भाई भी, अगर आपने कोई ऐसा वीज़ा खुदा ने वास्ता ले लिया है तो वो तो आपका स्टैंप हो गया नहीं, कन्फर्म बात है, उसका ई नंबर निकलेगा ही नहीं। दूसरे नंबर पर वो बंदे आते हैं, काले आ रही हैं जी दरमियान में, दूसरे नंबर पर वो बंदे आते हैं जी जो सऊदी अरेबिया में पहले रह के आ चुके हों, और सऊदी अरेबिया से सफारा से या जेल से या आउटपास पर या कफील से झगड़ा करके या किसी भी केस की सूरत में या किसी भी इकाम एक्सपायर या हरूक की सूरत में, मदरूक की सूरत में सऊदी अरेबिया से आ चुके हैं, छुट्टी अगर दोबारा नहीं जा सके, उमरा पर गए वापस आ चुके हैं, तो वो भाई उनका भी ई नंबर का इशू चल रहा है। उसकी रीजन क्या है, देखें वो अपना पहले मतार वाला पेपर चेक करवाए ना, मैंने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप इसके ऊपर हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मतार वाला पेपर चेक करवाएं, उससे हम आप ये कंफर्म करें जी हाँ जी आपके ऊपर अभी कोई पाबंदी तो नहीं है सऊदी अरेबिया में। अगर खुदा ना खास्ता पाबंदी हुई फिर भी आपका ई नंबर या वीजा स्टैम्प वाला इशू इसीलिए बना हुआ है और आपका होगा भी नहीं। अगर आप इस जुमरे में आते हैं तो मतार वाला पेपर अपना जरूर चेक करवाइएगा। हाँ जो न्यू जा रहे हैं जी उनको तो किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है, हाँ जो पुराने हैं या खुरूज वाला पेपर साथ में भेजें या मतार वाला पेपर अपना चेक करवाकर खुरूज वाला पेपर निकलवा लें, ये बेस्ट है।